अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं एक नए ट्यूटोरियल के साथ, और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप ख़रीदना चाहते हैं, ख़ासतौर से डिज़ाइनिंग के लिए, कंपोजिंग के लिए या फिर अकाउंटिंग के लिए, तो आपको किस तरह का लैपटॉप या फिर कंप्यूटर ख़रीदना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें अहम होती है, किन किन चीज़ों की वजह से आपका कंप्यूटर या लैपटॉप बेहतर रहता है, जिसकी वजह से आप डिज़ाइनिंग या कंपोजिंग या अकाउंटिंग का कोई भी काम करते हैं या उससे मुतालिक कोई भी सॉफ्टवेयर, खा वो लेटेस्ट वर्ज़न ही क्यों ना हो, न्यू वर्ज़न ही क्यों ना हो, आप आसानी से चला सकें अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। आप कोई भी लैपटॉप या फिर कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें CPU यानी कि प्रोसेसर कौन सा है, क्योंकि प्रोसेसर की वजह से ही आपका लैपटॉप या कंप्यूटर बेहतर कहलाता है। इसलिए सबसे पहले हमें देखना है कि इसके अंदर प्रोसेसर कौन सा है। चलिए हम देखते हैं कि प्रोसेसर कहाँ से चेक करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जाएंगे डेस्कटॉप पे, ओके। और डेस्कटॉप पे आप देखेंगे, अगर आपका विंडो 7 है तो यहाँ पे कंप्यूटर के नाम से एक आइकन मिलता है, या अगर विंडो 10 है तो यहाँ पर आपको दिस PC का आइकन मिलेगा। तो चाहे आपका विंडो 7 हो या फिर विंडो 10 हो, दोनों में आप कंप्यूटर या फिर दिस PC पर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद सीधे हम नीचे जाएंगे, प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको क्लिक दिस PC पे करना है या फिर कंप्यूटर पे करना है, अगर विंडो 7 है तो। तो चलिए हमने उस पर राइट क्लिक किया है, सबसे नीचे आपको प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलेगा, तो हम इसमें जाएंगे, और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का एक पेज आता है। यहाँ पर देखेंगे तो आपके सिस्टम से मुतालिक यानी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से मुतालिक जानकारी यहाँ पर होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कौन सा प्रोसेसर है, यानी कि कौन सा CPU है, कितना RAM है, ये सारी चीज़ें, या अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडो जो है वो कितना बिट है, 32 बिट है या 64 बिट है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। लेकिन आप एक चीज़ याद रखें कि अगर आप कोई हल्का फुल्का काम करना चाहते हैं, जैसे कि आप सिर्फ कंपोजिंग करना चाहते हैं या फिर सिर्फ अकाउंटिंग करना चाहते हैं, वो भी नीचे के वर्जन में, या कोई जैसे कि MS Word है और इसी तरह से एक्सेल वगैरह में आप काम करना चाहते हैं, या फिर पावर पॉइंट में, वो भी अगर नीचे का वर्जन है जैसे कि MS Office 2010 या फिर 2007 है, तो ऐसी चीज़ों को चलाने के लिए आप जो है ड्यूल कोर प्रोसेसर का या फिर कोर 2 प्रोसेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कंपोजिंग का भी काम और इसी तरह से डिज़ाइनिंग का और फोटोशॉप पे फोटो पे काम करना है, या फिर अकाउंटिंग पे एक अच्छे वर्जन पे काम करना है, एक अच्छे सॉफ्टवेयर पे काम करना है, या ऑटोकैड वगैरह पे काम करना है, तो इस तरह के काम करने के लिए, यानी अगर आप ऐसा लैपटॉप चाहते हैं कि जिसके अंदर हम कोई भी वर्जन यूज़ कर सकें किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर का, तो उसके लिए आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर जो है कम से कम आपका कोर i3 होना चाहिए। यानी अगर आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर या लैपटॉप का प्रोसेसर क्या है, कोर i3 है, तो आप किसी भी तरह का काम बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई भी आप जो है सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं इसके अंदर। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारा जो ये सिस्टम है जिससे हम वीडियो बना रहे हैं या फिर हम कोई भी काम हम अपने इस लैपटॉप पे करते हैं, तो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि हमारे इस लैपटॉप के अंदर प्रोसेसर जो है वो कोर i3 है। तो मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम कोई भी काम बहुत आसानी से कर लें और हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप हैंग ना करे, ज़्यादा वक्त न लगाए, तेज़ी से काम करे, अच्छे से वर्क करे, तो उसके लिए आप प्रोसेसर ज़रूर चेक कर लें कि कोर i3 है या नहीं है। इसके बाद बात आती है रैम की। तो रैम कम से कम आप 4 GB लें। आमतौर से जब कोई कंपनी किसी सॉफ्टवेयर को बनाती है तो उसके साथ वो इस बात की भी वजाहत करती है कि इस सॉफ्टवेयर के लिए कितना रैम कम से कम आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में होना चाहिए। तो आमतौर से आप देखेंगे कि वो लोग कम से कम 2 GB लिखते हैं। तो अगर आपका 4 GB है तो पता ये चला कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर बहुत आसानी और बहुत ही सहूलत के साथ चला सकते हैं। तो कम से कम रैम आपका 4 GB होना चाहिए।
इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिस्टम टाइप है यानी 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आमतौर से जो विंडो 10 आ रहे हैं अभी 64 बिट ही रहता है ज्यादातर, तो आप 64 बिट यूज करें तो ज्यादा बेहतर है, चूंकि आजकल के जो नए वर्जन आते हैं ज्यादातर वो 64 बिट को सपोर्ट करते हैं। अब रहा मसला हार्ड डिस्क का, तो आप हार्ड डिस्क के लिए आपकी मर्जी होती है, आप चाहे तो 500 GB लगा लें या फिर 1 TB यानी कि 1000 GB लगा लें, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में 500 GB हार्ड डिस्क हो या फिर 1 TB हार्ड डिस्क हो, इसमें स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप 500 GB हार्ड डिस्क लगाएं या फिर 1000 GB हार्ड डिस्क लगाएं, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की स्पीड जो है वो बिल्कुल सेम होती है। हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर की स्पीड पर कोई असर नहीं डालता है। अब आपको ये देखना होगा कि अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में आप क्या रखना चाहते हैं। अगर आप वीडियोस वगैरह रखना चाहते हैं तो आप जो है हार्ड डिस्क कम से कम 1 TB का इस्तेमाल करें, क्योंकि वीडियोस जो है वो स्पेस ज्यादा लेते हैं। और अगर आप सिर्फ अपना डाटा वगैरह रखना चाहते हैं तो इसके अंदर आप 500 GB हार्ड डिस्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि डाटा वगैरह जो है ज्यादा स्पेस नहीं लेता। अब अगर आपको हार्ड डिस्क चेक करना है कि हार्ड डिस्क कितना है, जैसे कि आप न्यू कंप्यूटर या लैपटॉप ले रहे हैं तो आपने तो देख लिया कि आपको प्रोसेसर कहाँ से चेक करना है, रैम कहाँ से चेक करना है, ये बात तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको हार्ड डिस्क देखना है कि इसमें कितना है, तो आप इसी डिस्क पीसी पे या फिर अगर विंडोज 7 है तो कंप्यूटर पर आकर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है मैनेज पर, ठीक है ना। मैनेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने एक और डायलॉग बॉक्स खुलेगा, देख रहे होंगे, तो इस तरीके से ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब आपको यहाँ पे जाना है डिस्क मैनेजमेंट में, तो जैसे आप डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, वैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कितने पार्टीशन हैं, क्या क्या इसके अंदर लगा हुआ है। तो जो सबसे पहला वाला यहाँ पे होगा, आप इसमें देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये हार्ड डिस्क है आपका, जिसमें 931.50 GB दिखा रहा है, ठीक है ना, मतलब ये है कि ये 1 TB है, 1000 GB हार्ड डिस्क है। तो कभी भी आपको हार्ड डिस्क यहाँ पे पूरा नहीं दिखाई देगा, याद रखिएगा। तो जिसके करीब हो, जैसे कि 400 कुछ है, तो आप समझ लीजिए कि ये 500 GB हार्ड डिस्क है, और चूंकि 900 कुछ है तो हमने समझ लिया कि ये क्या है, 1 TB है, यानी कि 1000 GB हार्ड डिस्क है। तो इस तरीके से आप हार्ड डिस्क वगैरह को भी चेक कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई न्यू कंप्यूटर लें या फिर किसी से सेकेंड हैंड कंप्यूटर या लैपटॉप ले रहे हैं तो इन सारी बातों को आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो हमसे बार बार पूछते रहते हैं कि सर हम लैपटॉप लेना चाहते हैं, हमें डिजाइनिंग करनी है, कोई कहता है हमें अकाउंटिंग करनी है, कोई कहता है हमें कंपोजिंग करनी है, तो किस तरह का लैपटॉप चाहिए। तो आप याद रखिए कि अगर आप थोड़ा सा लो वर्जन किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाते हैं, यानी कि जैसे कि MS Word 2007 है, 2010 है, या ऐसे इनपेज है तो इनपेज 2012 है, ऐसी कोरलड्रा है, कोरलड्रा 9 है, जो नीचे के वर्जन है वो तो आप ड्यूल कोर और कोर 2.2 वगैरह में बासानी चला सकते हैं। लेकिन आप किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर के वर्जन को, हाई वर्जन को चलाना चाहते हैं, न्यू वर्जन को, लेटेस्ट वर्जन को चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम आपके पास जो कंप्यूटर या लैपटॉप हो वो कोर i3 हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।